सब्सक्राइब करें बोल्ड स्काई यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को दबाएं और पाएं इंटरेस्टिंग वीडियोस। गजाननं भूतगणादिशेवितं कपित्तजम्बु फलचारुभक्षणं उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, वैभव, विलासिता और सौंदर्य का कारक ग्रह शुक्र बदल रहे हैं अपनी चाल को, बदल रहे हैं अपनी राशि को, हो रहा है परिवर्तन। जी हाँ मित्रों, राशि परिवर्तन। वर्तमान में शुक्र कर्क राशि में विचरण कर रहे थे, परंतु 15 सितंबर 2017 से यह परिवर्तन कर रहे हैं, दूसरी राशि पर आ रहे हैं। वह राशि है सिंह। जिस सिंह राशि पर शुक्र अपनी कृपा करने के लिए उस राशि पर पधार रहे हैं। मित्रों, शुक्र ग्रह के स्वामी जो हैं ये सूर्य होते हैं। शुक्र का स्वामी सूर्य होता है, और जो ग्रहों के राजा कहे जाते हैं, सूर्य ग्रहों के मध्य में होते हैं और ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। तो शुक्र ग्रहों का मंत्री हुआ, शुक्र ग्रहों का मंत्री हुआ। इस कारण से शुक्र ग्रह जब मंत्री होकर के राजा के घर में प्रवेश करेगा तो बहुत सी राशियों को लाभ प्राप्त होने वाले हैं, उनकी किस्मत चमकने वाली है, वे होने वाले हैं मालामाल। बदलेगी इन 6 राशियों की किस्मत और उनको एक तरह से मिल जाएगा, जैसे लॉटरी लग जाती है किसी के, इस तरह से उनको मिलेंगे सुंदर भाव, सुंदर परिणाम, अच्छे सुविचार उनकी राशि में आएंगे। सबसे ज़्यादा इन राशि के जातकों को मिलेगा लाभ। वो 6 राशियां हैं। कौन कौन सी राशियां हैं, सबसे पहले हम विचार करते हैं कि ये 6 राशियां जो हैं, मेष, वृष, सिंह, वृश्चिक, धनु और तुला, इन 6 राशियों की तो किस्मत कहना ही क्या, इनके सितारे चमकने लगे। इनके जो बंद काम पड़े हुए थे वह काम भी बड़ी तेजी से इनके प्रगति की ओर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, इनको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। शुक्र ग्रह की उच्च राशि होती है मित्रों मीन। शुक्र ग्रह की उच्च राशि होती है मीन, और शुक्र की जो स्वराशि होती है वह होती है वृषभ। तो शुक्र की जो अधिष्ठात्रा देवी हैं वह देवी हैं लक्ष्मी। तो शुक्र ग्रह लक्ष्मी की भी कृपा आप लोगों के ऊपर प्राप्त होगी। मित्रों, अगर एक महीने का ये जो लाभ आपको प्राप्त हो रहा है, इस एक महीने के लाभ में आपके ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे जैसे कामों को आपने सोचा भी नहीं होगा कि मेरा इस तरह का ये काम होगा या नहीं होगा। आप विचाराधीन होंगे, परंतु मित्रों उस तरह के काम भी आपके हो जाएंगे। विवाह नहीं हो रहा है तो शुक्र ग्रह जब आएंगे तो आपका विवाह का भी संबंध बनेगा। संतान यदि नहीं हो रही है तो संतान पक्ष में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार में भी आपको लाभ का सुंदर मार्ग प्रशस्त होगा। आप कोई नए काम भी करने का अपने मन में विचार बना सकते हैं। रुका हुआ धन भी आपको मिलने का योग दर्शा रहा है। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं, यदि आप मकान खरीदना चाहते हैं, तो आप परेशान मत होइए, बहुत शुभ समय आपके लिए आने वाला है और आप इन शुभ समयों में सुंदर सुंदर वह काम भी कर लेंगे। तो बाकी की जो 6 राशियां हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेष, वृष, सिंह, तुला और वृश्चिक और धनु, ये 6 राशियां तो मालामाल होंगी ही होंगी। इसके साथ भी जो बाद में जो 6 राशियां बचती हैं, इन राशियों पर भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। आप लोग परेशान मत होइए कि हमारी राशि में ऐसा कुछ होगा, परंतु फिर भी आपको सोच समझ करके आगे के कामों को करना है। और बाकी की 6 राशियों के लिए यह मध्यम रहेगा। उत्तम फल की यदि आपको प्राप्ति और अच्छी करनी है, तो यह जो 6 राशियां हैं जिनके लिए महायोग बन रहा है, सुंदर योग बन रहा है उनको, और जिनकी 6 राशियां जिनके लिए ये बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है, उनको भी उपाय करना चाहिए शुक्र के। तो मित्रों, करना क्या है, शुक्रवार के दिन आपको दही का दान देना है। दही लीजिएगा, वह किसी
भूरे बूढ़े भिखारी को आप दान में दे दीजिएगा। सफ़ेद चावल का दान दीजिएगा, सफ़ेद खीर बना करके उसका दान दीजिएगा, सफ़ेद साबूदाना का दान दीजिएगा, सफ़ेद मोमबत्ती का दान दीजिएगा, और मित्रों सफ़ेद कुर्ता पैजामा किसी ऐसे व्यक्ति को आप पहना दीजिए वास्तव में जिसको उसकी ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा और शुक्र बदलेंगे अपनी चाल। तो छह राशियां ये होंगी मालामाल। जी हाँ मित्रों, प्रयास करिए और आपके जीवन में शुक्र अपनी पूरी कृपा दिखाएं, पूरा आशीर्वाद प्रदान करें। सदैव बुजुर्गों का सम्मान करते हुए इन उपायों को करेंगे तो और अच्छा परिणाम मिलेगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।